राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया। अंत में आते आते एक कविता भी कही जिस पर हंगामा मच गया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का रौद्र रूप भी नजर आया। बजट पर चर्चा करते हुए डोटासरा ने जब उप मुख्यमंत्री पद पर सवाल उठाए तो संसदीय कार्यवाही मंत्री जोगाराम पटेल ने सचिन पायलट का नाम लेकर तंज कसा। वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब सदन में स्मृति ईरानी के नाम का जिक्र कर डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को निशाने पर लिया। तो सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा का ये दमदार भाषण। अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 8 फरवरी 2024 को 50 पेज का बजट आपने प्रस्तुत किया जिसमें लेखानुदान प्रस्ताव शामिल थे। अभी आपने 10 जुलाई को जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया वो 125 पेज का है। 175 पेज हो गए जिसमें सरकार ने अपनी बात की है, जो पूर्ववर्ती सरकार है उसकी योजनाओं को उन्होंने गलत बताया है, नीतियों को गलत बताया है, और जो भी अपने से बन पड़ा वो काम इन्होंने अपनी बातें रखी है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो बजट है वो हमारी सरकार के बजट को रीपोलिश किया गया बजट है, क्योंकि आपका बजट केंद्र का बजट अभी आया नहीं, आपके पास देने वाला कुछ नहीं। सर, वही अधिकारी, वही लैपटॉप, वही टाइप, वही कंप्यूटर, वही सोच, कहाँ से ले आए आप नया बजट? कहाँ से लेकर के आए? आपने केवल एक परिवर्तन किया इस बजट में जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कि श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री वित्त राजस्थान का बजट भाषण। ये कोई पोस्ट होती नहीं है सर, उप मुख्यमंत्री वित्त कोई पोस्ट ही नहीं होती है। जब मुख्यमंत्री होता है या मंत्री होते हैं तो उसके डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, वो वित्त देखेगा, क्या देखेगा, सीएमओ में ओएसडी होते हैं वो लिखे। सचिन पायलट क्या थे, इसीलिए हटाया था क्या? ये नहीं थे। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, तय कर लीजिए, अगर कोई गलत बात बोलूं तो ये बोलें। आप ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से? काहे के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। कहने से आपका भरोसा नहीं है? आपकी तरह हमारे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के अध्यक्ष को निकम्मा हम नहीं कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी मौजूदगी में ये नहीं कहलाते कि कौन कौन रिश्वत लेता है, हम नहीं कहलाते हैं। आगे बढ़ो। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन, अरे आपके संसदीय मंत्री ने बोल दिया, चलो आप कुछ सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा। तो अल्लाह करना है सुनना है, तय कर लो। आपके मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, आप शांति से रहो, शांति से रहो। डराओ नहीं, फर्क पड़ता इस धमकी को मत डराओ। बजट में बोलो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप बजट में बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप कह रहे हो कि इस बजट में यह कर दिया, 2047 बार बार, यानी 2047 का विजन किसने देखा? 2047 पांच साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किसने देखा है 2047? किसने देखा है? सवाल यह है कि आप 2047 का विजन दिखा रहे हो, आपका वर्तमान विजन ठीक करो। जिस दिन हमने सदन में देखा वो सदन की गरिमा को तार तार कर रहा था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो संवादहीनता थी वो हमने देखी है साहब, सबने देखी है, पूरे प्रदेश ने देखी है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों को बहुत कुछ कहा। मैं कहना चाहता हूँ,
गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में जो संवाददाता थी उसको आपने बखूबी देखा है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। राजो माननीय विराजो, ये बात माननीय सदस्य आप सुन, इनको ऑर्डर में लाओ सर, हाउस को ऑर्डर में है ना। नहीं आप इनके डर है, जितना आप लोग इनके डर है, ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैं करवा रहा हूँ। अरे आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो माननीय सदस्य। पिछले 12 दिन में जितना आपने डिस्टर्ब किया है उतना किसी ने नहीं किया। बोलने दो माननीय सदस्य, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सदस्य को। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप, मैं नमूना देता हूं इनका कि अरे भाई आर्थिक नीतियों की हमारी आलोचना की। आर्थिक नीतियों का पैमाना क्या होता है? पैमाना यह है कि 2023-24 में जब हमारी सरकार थी तो राजकीय कोषीय घाटा का अनुमान 62,772 करोड़ रुपए था और इनका 70,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2018-19 में जब इनकी बीजेपी की सरकार थी तो जो पूंजीगत परिव्यय है वो 16,638 करोड़ रुपए था और हमारा 2023-24 में 38,062 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय प्रस्तावित किया गया, 2018-19 से दुगुना। तो ये आर्थिक नीतियों की केवल बातों में आलोचना करना और ये कहना कि मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 45% हमारे वादे ही पूरे कर दिए हमने, तो फिर आप क्या करोगे? और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं केवल 45 किए हैं, तो सामंजस्य बैठा लो, नमस्ते नमस्ते कर लो, बात कर लो, बैठ के चर्चा कर लो। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप देखिए 2018-19 में ये जो आंकड़े हैं यही तो प्रमाणित करेंगे कि आप लोगों ने अच्छे काम किए या हम लोगों ने अच्छे काम किए। कोई आकाश है तो आकाशवाणी होगी नहीं, तो जो आंकड़े हैं वो समझ लो आपके काम में आएंगे। बहुत से मेरे वरिष्ठ भी हैं, बहुत से कनिष्ठ भी हैं, पहली बार बार कभी आए भी नहीं, हो सकता है, तो ये मौका ले लो आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं 2019 में माननीय अध्यक्ष महोदय 2,12,275 करोड़ रुपए का बजट, 2023-24 में 3,90,856 यानी 84% की बढ़ोतरी। फिर आप जीएसडीपी का देख लीजिए, 2018-19 में 9,11,519 करोड़ रुपए और इनका देख लीजिए 2023-24 में हमने जो छोड़ा 15,76,186 करोड़ यानी 73% बढ़ोतरी। और आर्थिक विकास दर इन्होंने 2018-9 में जब इनकी भाजपा की सरकार थी 2.37% और 21-22 में हम 11.04 देश में नंबर 2 पे पहुंच गए थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता भाई साहब, मैं कोई पर्ची से नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा, मैं तो हकीकत से रखूंगा। 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 98,698 रुपये बढ़ोतरी वाला राज्य 30वें स्थान पर था बीजेपी की सरकार में। आज 2023-24 में जब हम थे तो 1,56,149 रुपये यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में हम 9वें स्थान पर थे। ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। इन्होंने बहुत हल्ले किए, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, और पता नहीं कितने हम पे आरोप लगाए, अपराध बढ़ गए, ये हो गया, पेपर लीक हो गया, ढींकड़ा हो गया, पूछड़ा हो गया, जो बोला सो बोला। अरे डट जाओ मेरा भाई, मुश्किल से आए हो, बहुत पसीना बहा आके सुन लो, काम आएगा। जब आपको लगे कि ये काम की चीज नहीं है तो कान बंद कर लेना, मना कौन कर रहा है आपको, लेकिन मेरी बात तो सुनो भाई हो। अब देखिए सर, जो 5 महीने का इनका अपराध का आलम है माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 महीने का कुल आईपीसी के अपराध 87,311, अब व्यापरण अपहरण 4,527, दुष्कर्म बालिक के साथ 1994, नाबालिग के साथ 576, कुल 2570, और महिलाओं के, जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के 14,835 केवल 5 महीने के हैं, 5 महीने के, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो नहीं सहेगा राजस्थान आपका फेल हो गया। 6 महीने में केवल मुख्यमंत्री जी ने और इन्होंने, आप सुन ले भैया, आप तो मेरी जगह भी बोल लो तो मेरे को आनंद आएगा। माननीय मंत्री जी आप भी बोल, जवाब देना। आपने तो
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो शिक्षा मंत्री जी को डिमांड पे रिप्लाई देने के लिए ही लाइक नहीं समझा, और फिर भी बीच बीच में बोल रहे हैं। आप डिमांड रखवाओ और फिर आप बोलना, और फिर मैं बोलूंगा, पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। बजट पे बोलिए। अच्छा मुद्दे पे, चलो मुद्दे पे आ जाता हूँ। मुख्यमंत्री वाला मुद्दा शुरू किया था मैंने, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सर कि मुख्यमंत्री सुझाव प्राप्त करेंगे, वित्त मंत्री बजट को अंतिम रूप देगी, फिर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वित्त मंत्री नहीं बोलेगी, फिर बजट की क्रियान्विति में वित्त मंत्री नहीं जाएगी, और बजट पारित होने से पहले, बजट पारित होने से पहले मंत्री जा करके और वहाँ कहेंगे बजट को लागू करो। जिला कलेक्टर कह रहे थे कि साहब क्या लागू करें, बजट पारित करा के तो लाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है, और सीएमओ को के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है, और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। ये इनकी सरकार का 6 महीने का नमूना है, ये इनकी हालात है, कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। किलों की बातें करेंगे, महलों की बातें करेंगे, यही बजट पे है बस, यही बजट पे है बस, यही बजट पे बोलना है। समय सीमित है, मैं बैठा दूंगा, समय पूरा होते ही बैठाऊंगा। राजस्थान के इतिहास में सदन की परंपरा रही है, जब मुख्यमंत्री का विभाग होता है तो मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री से जवाब दिलवाता है। ये पहली बार है जब काबिल संसदीय मंत्री होकर के, कार्य मंत्री होकर के भी इनसे जवाब नहीं दिलवाए जा रहे हैं, ये क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा। पहले पढ़ के आओ। इस सदन में बजट के माध्यम से गरीब की बात नहीं, दलित की बात नहीं, पिछड़ों की बात नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं, सुशासन की बात नहीं, कृषि पे डिमांड पे चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पे नहीं होगी, गृह पे नहीं होगी, कानून व्यवस्था बिजली पे नहीं होगी, पानी पे नहीं होगी, तो क्या करोगे, मेज ही थपथपाओगे क्या? सवाल ये है कि ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो रही है। इसका मायना ये हुआ कि जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं, और उसके बाद में इनको जो ऐसे मिले हैं वो भी 360 डिग्री परीक्षण के बाद में। बजट पे कौन सी बात हो गई, अभी आप सब बोल रहे थे ऐसे, हमको ऐसे कौन सा मिला नहीं मिला है, ये कौन सा बजट है भैया? हमारे यहाँ यह नहीं होता है, हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ये नहीं पूछता है कि शिक्षा विभाग में रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं कि कौन कौन रिश्वत लेता है, हमारे यहाँ नहीं पूछते हैं। हमारा मुख्यमंत्री ये नहीं करता है कि प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा है, निठुरा है, फला फला, हम नहीं कहते हैं, हमारी परंपरा नहीं है। आप बजट पे बोले महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जो जोधपुर गए और यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, तो ये कह रहे थे एक एक की थैली देने वाला मिलता है, एक एक की थैली, एक एक लाख की थैली देने वाले को मुख्यमंत्री मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। क्या नहीं है, झूठे हैं, रहने दो, प्रवेश करने दिया है। आप बजट में बोल के एक सब लोग हिंदुस्तान के इतिहास में, राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक बजट आ गया, आप बता दो। ये अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है, अध्यक्ष महोदय ये डिबेट नहीं है, मेरे अच्छे मित्र हैं, इनकी बेइज्जती हुई इसलिए मैंने ये दो बात कह दी, आपको बुरा लगा मैं वापिस ले लेता हूं मेरे सर। चलो वो शुरू करते हैं साहब, अब कंटिन्यू, चलो बजट पे शुरू, टाइम आपका हो रहा है, बजट पे करते हैं, बजट ये कह रहे हैं साहब डबल इंजन की सरकार है, ये कह रहे, अरे बैठ जाओ, ये कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, मैं कह रहा हूं नहीं, डबल इंजन की नहीं है, ये 4 इंजनों की सरकार है, चौबल इंजन की सरकार है। चौबल इंजन की ऐसे है, एक मुख्यमंत्री जी मंत्री, एक इंजन वो हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का जो खेमा है उसका हो गया, और एक 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 ये बजट तो नहीं है, ये बजट
आपके 10 मिनट बाकी हैं। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आरएसएस का हो गया, ये चार इंजन है, ये यहाँ राजनीतिक दल की बात हो रही है। बताओ तो आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, शांतिलाल जी आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कृपया शिकायत है बजट में कैसे बोलते हैं। नहीं होगा शब्द, चलिए राम जी जुड़ जाओ, कंट्रोल करो इन पे यार, आपके बजट में आप कंट्रोल करो इन पे, बजट पे बोल रहे क्या बोल रहे हैं। का नाम आता है ये कृपलानी जी खड़े हो जाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, मुख्यमंत्री जी का नाम लेते खड़े हो जाते हैं। बात कर रहे हो, बजट पे बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत ये बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष बिना हाथ पैर की बात कर रहे हैं। ये जो बजट है ना, इसमें किसने कहा था, हमने कहा था कि डबल इंजन लिख दो, जब डबल इंजन लिख दिया और हमको चौबल इंजन नजर आ रहा है तो हम तो राजस्थान की जनता कहती है वो बात सदन में रख रहे हैं, आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आपको तो चार इंजन बना दिए, चारों चार दिशा में खींच रहे हैं, इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो, कोई काम आपका होने वाला नहीं है। ये इंजन भी एक तो इलेक्ट्रिक का है। अरे माननीय मंत्री जी, आप सीनियर आदमी हो, विराजो फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे, फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे। मैं धारीवाल जी कह रहा हूँ, आप बोलोगे फिर आपको भी नहीं बोलने, डिस्टर्ब करेंगे। चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ सर, मुद्दे पे आता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई के ऊपर खूब हल्ला हल्ला, एक भी योजना जो महंगाई रात के में हमारी सरकार ने शुरू की थी उसके लिए आपने एक वर्ड नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री ये कह के गए थे कि जो जनहित की योजनाएं वो हम बंद नहीं करेंगे, तो फ्री बिजली पे नहीं बोल रहे आप, कृषि के ऊपर जो बिजली हम दे रहे हैं उस पर नहीं बोल रहे, जो इंदिरा रोजगार योजना हमारे शहरों में लागू की उस पर नहीं बोल रहे आप, ओपीएस कर्मचारियों के लिए दी उसके ऊपर आप नहीं बोल रहे हो। आप नौकरियों का हल्ला करते थे, ये करते थे, वो करते थे, अभी कह रहे थे ना मुख्यमंत्री जी कल परसों, वो राधे राधे का बेल्ट लगा के गए थे और कह रहे 70,000 नौकरियां दे दी, फिर बुरा है क्या। अरे बैठो भाई, बैठो बैठो, अरे इनको पूरा करने दो, अरे इनको पूरा करने दो, अरे अरे माननीय सदस्य आप बजट पे बोले, इनको पूरा करने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवाल जी, अरे तो मैंने तो अच्छा ही बताया है। बैठिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोठवा क्या है ये, माननीय गोठवाल जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, अगर ये सरकार बनते ही सीएस से नहीं लड़ते तो आज मंत्री होते, मेरी गारंटी है। लेकिन इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो योजनाएं थी उसके लिए आपने क्या किया। आज 27,000 की नौकरी बता रहे हो ना, एक नौकरी की विज्ञप्ति आपकी निकाली नहीं हुई है। हमारी जो डिग्रियों की जांच हो रही थी या जो कोर्ट में पेंडिंग थी उसकी वजह से, स्टे की वजह से पेंडिंग थी, वो नौकरी देख करके यहाँ हाथ थपथपा रहे थे, 1,00,000, 4,00,000, 1,00,000, 4,00,000। भाई साहब सर्कस थोड़ी है ये, हर चीज़ नोट होती है, यहाँ पर हर चीज़ें नोट होती हैं। 4,00,000 नौकरी दे दो ना तो मैं सार्वजनिक मंच से आपकी धन्यवाद दूंगा, अगर सरकारी नौकरी आपने 4,00,000 दे दी तो। सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक धन्यवाद देना करेंगे, 4,00,000 नौकरी देंगे और आप धन्यवाद दे देना। अरे इनको बोले इनका समय मत खराब करो, अरे अरे आपका समय क्यों खराब करो। जो नई शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री जी लागू कर रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनना मेरी बात सुनना, बहुत गंभीर है, आपके भी काम आएगी। जो शिक्षा मंत्री जी नई पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूं उस नई पॉलिसी में शिक्षा विभाग में एक भी सरकारी नौकरी आगे से नहीं होगी, इस बात का प्रावधान है, सारी की सारी संविदा पे होंगी। और इन्होंने एक चेंज कर दिया कि 6 साल का बच्चा सरकारी में स्कूल में एडमिशन लेगा, अब की बार एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, हमने 1 करोड़ तक नामांकन पहुंचा दिया था, ये 70,000 में आ गए। और इसका परिणाम बताऊं मैं, इसका परिणाम माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षा मंत्री रहे और इतने शानदार रहे, आपके निर्णय आज भी पूरे देश में गूंजते हैं। स्मृति ईरानी जी बुलाती थी इनको, इनको राय लेने के लिए
माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बुलाती थी और पूरे देश के मंत्रियों का समूह बनाया, उसका चेयरमैन माननीय हमारे स्पीकर साहब को बनाया था। एक ये शिक्षा मंत्री, एक ये शिक्षा मंत्री, एक ये आप समय पे छह मिनट पूर्व मुख्य शिक्षा मंत्री ने कितने पैसे खाए? अरे अरे गोविंद सिंह डोडासरा जी ने कितने पैसे खाए? ये गालो जी पूछ रहे थे, वहाँ गालो जी पूछ रहे थे कि डोडासरा जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए कितने खाए? आपके लोग ही पूरे खड़े हो रहे, बोल रहे हैं। आप एक ही मत खड़े रहो, मैं अकेला सक्षम हूँ। मैं अगर गलत बोलूं माननीय स्पीकर साहब तो आप तुरंत उसको एक्सपेंस कर दें, लेकिन ये जो मेंढक की तरह उछल रहे हो ना, ये तुम्हारे ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। तुम्हारे को मंत्री मिलता नहीं, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलता, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलता, क्या बात कर रहे हो आप? चलो तो अब ये विभाग में अधूरा छोड़ के भागे थे। चिरंजीवी योजना का क्या होगा इन्होंने बताया नहीं, पांच मिनट चिरंजीवी योजना का क्या हुआ बताया नहीं, बाकी है जो बोलना। मेडिकल कॉलेजों का काम जो पैसे हमने दिए थे वो रुक गए, ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, एक मिनट, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, और हमने 10-10 करोड़ रुपए दिए थे। माने बैठिए, अरे भाई पांच मिनट इनको दिए, अब बैठिए। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, अच्छा साहब पूरा करिए, ग्रीन फील्ड कर रहा हूं ना, तो पांच मिनट बाकी। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाएंगे, हमने 10 करोड़ की सड़कें दी थी, आप तो 5 में ही निपट गए, क्या बात कर रहे हो? ये जो बजट है ना साहब, खाटू श्याम जी मेरे जिले में है, 100 करोड़ देने की घोषणा की है, काम पहले से चल रहा है, 32 करोड़ रुपए हमने पहले ही दे दिए। गोविंद देव जी के मंदिर में हमारी सरकार ने 100 करोड़ दिए, ये दोबारा उसमें लेकर के आ गए। पंचायती राज के नगर निकाय के चुनाव एक साथ, वन स्टेट वन इलेक्शन, भरतपुर के जिला प्रमुख के चुनाव तो नहीं करा पाए आज तक। मुख्यमंत्री बादरा में क्या किया आपने, क्या तमाशा लगा रखा है? 12-13-14 जगह पर उपचुनाव है, उपचुनाव रोक दिए, और आज और बताइए, ये जनप्रतिनिधियों की खिल्ली उड़ाती है ये सरकार। माननीय सभापति स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, उप जिला प्रमुख मौजूद, जिला प्रमुख एमएलए बन गया और जिला कलेक्टर उसका चार्ज लिए बैठा है, ये काहे के पंचायती राज के चुनाव कराएंगे? आप भट्टा बैठा होगे इन जनप्रतिनिधियों का, नगर निकाय और पंचायती राज का भट्टा बैठा होगे। ये मोदी जी की लाइनें लिखना बंद करो, आपसे आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आप करवा दो। आप एक भादरा का चुनाव नहीं करा सके, एसडीएम को छुट्टी भेजना पड़ा, क्योंकि वहां पर आप हार रहे थे, भरतपुर में आप हार रहे हो। आदरा में हार क्या रहे थे आप, हारने वाली बात कैसे कह सकते हो? राजीव गांधी स्कॉलरशिप है आदरा में, राजीव गांधी स्कॉलरशिप के लिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश में हमारे बच्चे, प्रदेश के गरीब के बच्चे पढ़ने जा रहे थे, मंत्री जी ने एक जवाब दिया था, मुझे उस दिन अफसोस हुआ कि थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं कि नहीं। ये कहना कि 8 लाख बच्चों के बराबर का बजट है, भाई साहब मार्च के अंदर, फरवरी और मार्च में विदेशों के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, आपने आज तक आवेदन ही नहीं लिए। हम मार्च से पहले आवेदन ले लेते थे, उसके बाद में जिसका सिलेक्शन हो जाता उसको पैसे मिल जाते तो वो चला जाता था। आज सारे के सारे बच्चे या तो घर से पैसे दे के जा रहे हैं, वरना उनका एक साल बर्बाद कर दिया आपने, नाम चेंज कर देते लेकिन आज तक फार्म नहीं ले पाए। इससे ज्यादा और क्या करोगे आप? आप तुलना कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो, विदेश में हमारा गरीब का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो, तमाशा लगा रखा है, 7.5 लाख बच्चे हैं गरीब के। मैं दावे के साथ कहता हूं, जान चली जाए इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद नहीं करने देंगे, क्या बात कर रहे हो आप? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था सर, मोदी जी ने कहा था कोई भी जनहित की योजना बंद नहीं होगी। एक बात, किसी भी योजना के ऊपर उन्होंने बजटरी कोई बात नहीं की है, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है कि हरियाणा और राजस्थान का दिसंबर के अंदर सरकार बनते ही पेट्रोल का भाव बराबर कर दूंगा, आज भी 10 रुपए का अंतर है। मोदी जी ने कहा था कि ईआरसीपी में लागू कर दूंगा, इस बजट में लेकर के आए हैं, आप देखना
जो सीकर शेखावाटी के लिए जो पानी की योजना है उसका बजट में नाम पड़ा इंदिरा गांधी योजना। अगर ये हमारी योजना नहीं होती, हमने वित्तीय स्वीकृति 7000 समथिंग की कर दी थी, नहीं होती तो ये दीनदयाल उपाध्याय योजना होती, ये इंदिरा गांधी के नाम से योजना नहीं आप बजट के अंदर पढ़ते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईआरसीपी के अंदर 10000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति करके हमने टेंडर करके काम चालू कर दिया, आपके मुख्यमंत्री जाकर के अवलोकन करके आए और इस बजट के अंदर ठोक दिया ठगाटक, क्योंकि टाइप करने वाले वही थे, इनको तो समझ में ही नहीं आया। तो इनके तो फोटो का चक्कर था कि वित्त मंत्री जी की फोटो अधिकारियों के साथ आनी चाहिए या मुख्यमंत्री के साथ में आनी चाहिए। अरे फोटो तो सबकी ले लो, एक साथ ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बजट एक बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है सर। इस तरीके से केवल फोटो के लिए एक मैसेज देने के लिए आपस में नोरा कुश्ती, ये ठीक नहीं रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट में मेरी बात एंड करूँगा सर, क्योंकि आप मुझे समय कम देंगे, मुझे पता है ये सबकी भावना इनकी यही है। एक मुख्यमंत्री जी ने लास्ट में जब पहले सत्र था उसमें एक बात मेरी ओर इंगित करके गई थी, चाहे नाम नहीं लिया हो, मैं उसका जवाब आज देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि डोटासरा जी कौन सी चक्की के आटा बच्चे खाते हैं कि वो बराबर नंबर इंटरव्यू में हो जाते हैं। मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन मेरा मौका नहीं था, उनका ही मौका था, अब वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे वो जाने। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई, ये बता दो। किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि पहली बार के एमएलए की पर्ची आई और आपने एक भी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता की पहचान होती है, आपके तो विभाग वो बीच में छीन लिया जाता है। लास्ट ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की खतर होती है। कविता पढ़ गए, एक मिनट की कविता, एक मिनट की कविता, एक मिनट वाइंड अप करो, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक कविता है सर मैंने बनाई, बोलते रहो एक मिनट, अरे आप एक मिनट बोल लो, बैठी तुक नहीं बैठी कोई, एक कविता है सर, तुक नहीं बैठी, एक मिनट की कविता कर रहा हूं। नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार, कांग्रेस की भर्तियों पर वाई वाई लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार, हम हर ओर बिजली पानी का इंतजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मिली महंगाई अब की बार, हुई कीमतें पहुंच के बार, आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। 25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार, अस्पतालों में गंदगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार, पेट्रोल डीजल से लूट का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार, बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कुर्सी को लेकर बड़ी तकरार, इस्तीफों का नाटक बार बार, न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइंदे लगाए कतार, गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। न कल्याण का कोई विचार, न मर्यादा न संस्कार, भाषा में छिटरता संस्कार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। प्रोपेगेंडा को बनाए हथियार, झूठ और जुमलों की भरमार, बन गया सर्कस बनाई थी सरकार। अरे ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का बेड़ा करने का ठेका छोड़ दिया है, शर्मा, ऐसी निकम्मी सरकार। ये जो पर्ची सरकार है ना, ये पर्ची सरकार है ना, आप में से पांच भी दोबारा नहीं। अब अंकित नहीं बैठिए, बोला।